संग्राम ठीक है, अच्छी बात है, और ऐसे ही खेलता रहे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक पहलवान और वहाँ से ऐसी जंग आना बहुत बड़ी बात है, और जैसे खेलता है ऐसे ही खेलता रहे, तू जीतेगा उम्मीद है पूरी। और अरमान जी आपसे एक बात कहूँगा, आपने बोला था कि पहलवान को नहीं कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता कि पहलवान क्या चीज़ होती है, आपको पहलवानों के बारे में पहले पता करना चाहिए। ओलंपिक में इस बार 6 मेडल थे, उसमें 2 पहलवानों के थे, पिछली बार 3 मेडल थे और उनमें 1 मेडल पहलवान का था, और एक पहलवान सुशील कुमार जिसके 2 मेडल हैं कुश्ती में, एक किसी खिलाड़ी के नहीं है कि ओलंपिक 2 मेडल लेके आया है, और पहलवान तो देश का रक्षा मंत्री भी रह चुका है मुलायम सिंह यादव, जो CM भी हैं। इसलिए यही है कि आप अच्छे से खेलिए और बहुत अच्छा खेलते हैं, बस ये कि पहलवानों के बारे में किसी खिलाड़ी के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में देखिए कि वो क्या चीज़ है और क्या नहीं है। और संग्राम ये है कि करते रहो, और बहुत अच्छा लगता है जब देखते हैं, अब तो इसमें कुछ 5-6 बचे होंगे, बहुत ठीक है ये, ठीक है एक और हमसे मिल लूँ मैं जाके एक बार एजाज से, ऐसी रहना अच्छी बात है, बहुत अच्छा खेल रहे हो और खेलते रहो, बस थोड़ा यही है कि जैसे इनको ही आपने कुत्ते का खाना दिया था ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूरा देश देखता है, थोड़ा उसको देखो क्या ठीक है क्या नहीं है, थोड़ी ये चीज़ देखिए आप, और बहुत अच्छी बात है के लिए। बिग बॉस चाहते हैं कि योगेश्वर दत्त अब घर से विदा लें और स्टोर रूम में आ जाएं। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक।